वो लेकिन अब यह रहेगा स्टॉक सुर्खियों में, आईटी की सर्च की खबर के बाद जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है और कंपनी ने 1000 करोड़ की जो बिक्री की उसे अकाउंट्स में नहीं दिखाया और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 400 करोड़ रुपए के पेमेंट कैश में किए, ये सबूत मिले और ऐसा मानना है और कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये सब कुछ कहा है। कामत होटल्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, अयोध्या में इसी महीने एक होटल खोलने जा रहे हैं और आगे दो और होटल खोलेंगे, पूरी डिटेल्स बस कुछ ही देर में हम देंगे, बट इस पर रखिएगा नजर, आज बड़ा एक्शन दिख सकता है। फिनिक्स मिल्स ये रियल एस्टेट कंपनी रहेगी सुर्खियों में, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंजम्पशन, ये है नंबर्स आते हुए दिखे, दमदार आंकड़े, 24% बढ़कर आया कंजम्पशन और ग्रोस रिटेल कलेक्शन में भी 30% की दमदार बढ़त। सेनको गोल्ड बढ़िया अपडेट यहां पर आया है, रिकॉर्ड 24% की आय में ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है, 19 नए शोरूम्स इस वित्त वर्ष में लॉन्च किए हैं, कुल शोरूम की संख्या 150 के पार, अच्छा अपडेट सेनको गोल्ड की तरफ से। बैंक ऑफ इंडिया यहां पर कुल डोमेस्टिक डिपॉजिट 7.5% बढ़कर आई है तो डोमेस्टिक एडवांसेस में 11.5% की दिखी है बढ़त, तीसरी तिमाही की अपडेट आपके सामने। कोल और पावर स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, हमने कल कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी साहब से बात भी करी, 2030 तक दुगनी हो जाएगी बिजली की मांग, कोल गैसिफिकेशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की योजना है, साथ ही मार्च तक 30 और क्रिटिकल मिनरल की जो माइंस हैं उनकी नीलामी की जाएगी, बहुत सारा एक्शन हो रहा है कोल और उससे जुड़े माइनिंग मिनरल स्टॉक्स में, आज भी एक्शन में रहेंगे। एक्सिस केड्स ये है एक और स्टॉक जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर, क्यूआईपी कल से शुरू हुआ है, लगभग 697 रुपए के आसपास फ्लोर प्राइस तय की गई है, इशू की प्राइस जो रखी गई है फ्लोर प्राइस वो 10% डिस्काउंट पर है बाजार भाव से, क्यूआईपी की प्राइस एग्जैक्टली क्या होगी ये 15 जनवरी को बोर्ड बैठक में तय किया जाएगा, साइज जो है इस क्यूआईपी की वो करीबन 500 करोड़ की। सीईएससी यहां पर इन्हें नोएडा पावर कंपनी से ऑर्डर मिला है करीब 95 मेगावाट्स पावर के उत्पादन के लिए, यहां पर भी रखेगा नजर, एक्शन में रह सकता है ये स्टॉक। स्पाइस जेट यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है, कल एजीएम थी कंपनी की और एजीएम में मैनेजमेंट ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है वो उड़ान वाली, उसके चलते अब स्पाइस जेट इन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स मिले लक्षद्वीप के, और आप हिंदुस्तान में अभी तो हर आदमी एक बार लक्षद्वीप पे जाना ही चाहता है, मतलब मालदीव्स को सबक सिखाने के लिए भी जाना चाहता है, तो इसलिए लक्षद्वीप का राइट्स मिलना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि अयोध्या को भी वो अलग अलग शहरों से फ्लाइट्स के जरिए जोड़ेंगे, तो दो बड़े डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक रिलीजियस टूरिज्म और दूसरा आपके हॉलीडे वाला, इसके लिए स्पाइसजेट तैयार होता है। और फाइनली एनसीसी, कल यहां पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 0.5% हिस्सा खरीदा है, 185 के भाव पर 36 लाख शेयर्स का सौदा हुआ था, ये भी आज एक्शन में दिख सकता है, ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।